Inspector. Bitch, I'm about to blow it up. Gotta play stupid games while I'm showing up. I'm trying to make change, can't be slowing up. So I'm staying on the side as I'm growing up. Triple kill. अब गाइस देखो, आप सभी को पता है ग्लोबल गरीना फ्री फायर की एक ऐसी चीज़ है जिसको गाइस अगर आप अच्छी तरीके से लगाना सीख लेते हो तो उसके बाद आपका गेम प्ले यहाँ पे नेक्स्ट लेवल हो जाता है। भले ही गाइस आपके यहाँ पे स्पीड कम हो, आपके एक्यूरेसी कम हो, आपके हेडशॉट कम लगते हो, बट गाइस अगर आपने यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्लोबल को लगाना सीख लिया तो गाइस आपका यह जो ग्लोबल है आपकी सारी कमियों को कवर अप कर लेगा। आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो गाइस आपको स्पीड चाहिए ना ही आपको हेडशॉट चाहिए। अगर आपका यहाँ पे ग्लोबल एकदम परफेक्ट होगा एंड एकदम सही जगह पर होगा तो आपका गेम प्ले पे ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा सही हो जाएगा, जिससे गाइस आप यहां पे इजी 1v4 क्लच भी कर पाओगे, 1v2 क्लच भी कर पाओगे एंड अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करके आप किसी भी बड़ी गिल्ड में इजी तरीके से जा पाओगे। इसीलिए गाइस आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको 5 ऐसे ग्लोबल ट्रिक बताऊंगा जो कि गाइस मार्केट में एकदम न्यू ग्लोबल ट्रिक है। एंड आई डैम श्योर गाइस अगर आप यहां पे इन ग्लोबल ट्रिक को सीख लोगे तो आपका यहां पे गेम प्ले नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। आई होप गाइस आपको आज का हमारा वाला वीडियो पसंद आएगा एंड अगला वीडियो देखने के बाद आपको कुछ यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। अगर गाइस आपको आज का हमारा अगला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना। आज के इस वीडियो का लाइक है मुझे लगता है 20 का लाइक का। आई होप गाइस आप 20 का लाइक कंप्लीट करा दोगे। एंड अगर अगला वीडियो देखने के बाद गाइस अगर आपको हमारा चैनल पसंद आएगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही कंटेंट अपलोड करते रहता हूं। यंग थिंग यू गोइंग क्रेजी। ओह नो नो किंग दिस शिट फ्वेगो। अब गाइस देखो, हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला ग्लोबल ट्रिक आता है इसका नाम है हमारे यहाँ पे स्टैंडिंग ग्लोबल एंड हमारा गरीना फ्री फायर का सबसे ओल्डेस्ट ग्लोबल ट्रिक है। एंड इस ग्लोबल ट्रिक का इस्तेमाल हमारे गेम प्ले में काफी सदियों से चला आ रहा है एंड अभी भी कुछ लोग इसी ग्लोबल का इस्तेमाल करके अपना गेम प्ले करते है। सो गाइस देखो, ये जो हमारा ग्लोबल ट्रिक है ये बेसिकली बिगिनर लोगों के लिए होता है, लाइक जिन्होंने अभी फ्री फायर खेलना स्टार्ट करा होता है, जिनको ग्लोबल लगाना नहीं आता तो यहाँ पे उनको सबसे पहले स्टैंडिंग ग्लोबल सीखना रहता है। एंड उसके बाद गाइस मैं आपको जो आगे ग्लोबल ट्रिक बताऊंगा वो चीज गाइस आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली तब समझ में आ जाएगा। तो गाइस देखो, स्टैंडिंग ग्लोबल बेसिकली होता क्या है, इसमें आपको खड़े होकर ग्लोबल लगाना रहता है, जैसे कि गाइस मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एंड गाइस ये ग्लोबल लगाना काफी ज्यादा इजी होता है, इसमें आपको करना कुछ नहीं रहता। जब कभी भी आपके सामने एनिमी आएगा एंड अगर आपको उसे प्रोटेक्शन चाहिए होगा तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे एक स्प्रे करना है, यानी कि आपको आपके स्क्रीन को ऊपर की तरफ ड्रैग करना है एंड जब आप अपने स्क्रीन को नीचे की तरफ लेके आओगे तो गाइस उसी वक्त पे आपको यहाँ पे आपको जो ग्लोबल वाला बटन है इसे आपको प्रेस करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फायर वाला बटन को प्रेस करना है। अगर गाइस आप यहाँ पे ऐसा करोगे तो आपका यहाँ पे प्रॉपर स्टैंडिंग ग्लोबल लग जाएगा एंड आप यहाँ पे इजीली अपने एनिमी से प्रोटेक्शन पा जाओगे। ये ग्लोबल ट्रिक गाइस बेसिकली बिगिनर लोगों के लिए था, इसलिए गाइस मैंने आपको यहाँ पे बताया है। वैसे तो मेरे को यहाँ पे अलग ग्लोबल ट्रिक बताने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो चलो गाइस अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 का। तो गाइस हमारे यहाँ पे स्टैंडिंग ग्लोबल के बाद जो हमारा सेकंड ग्लोबल ट्रिक आता है उसका नाम है हमारे यहाँ पे सिट अप ग्लोबल एंड ये गाइस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ग्लोबल ट्रिक है। अप्रोक्स 80% लोग सिट अप ग्लोबल ही लगाते हैं, भले वो मोबाइल प्लेयर हो या फिर पीसी प्लेयर हो, अभी सभी लोग यहाँ पे सिट अप ग्लोबल लगाते हैं एंड इसके यूज भी गाइस काफी सारे हैं, इसी वजह से गाइस इसको इतना ज्यादा चॉइस किया जाता है। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिट अप ग्लोबल के यूज बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे किस तरीके से लगाना है। सिट अप ग्लोबल लगाने से गाइस सबसे पहला फायदा हमारे यहाँ पे टाइम सेविंग में होता है, लाइक अगर यहाँ पे एक बंदा स्टैंडिंग ग्लोबल लगाएगा एंड वहीं पे अगर कोई दूसरा बंदा सिट अप ग्लोबल लगाएगा तो यहाँ पे जो सिट अप ग्लोबल लगाने वाला बंदा होगा उसका यहाँ पे टाइम काफी ज्यादा सेव होगा एंड जैसे इसका यहाँ पे टाइम सेव होगा तो उसका यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगा एंड स्पीड के साथ साथ इसका रिफ्लेक्स भी बढ़ेगा, जिस वजह से गाइस इसका यहाँ पे कस्टम में गेम प्ले काफी ज्यादा बढ़िया होगा। इसी वजह से गाइस अगर आपने यहाँ पे स्टैंडिंग ग्लोबल लगाना सीख लिया है तो उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप यहाँ पे सिट अप ग्लोबल
ग्लूवाल लगाना सीखो। एंड सिट अप ग्लूवाल लगाना गाइस कोई महाभारत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जब कभी भी गाइस आपके सामने एनिमी आएगा एंड अगर आपको अभी सिट अप ग्लूवाल लगाना रहेगा तो आपको वैसे ही स्टैंडिंग ग्लूवाल की तरह सबसे पहले आपको आपके फायर वाले बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करना है एंड उसके बाद आपको आपके फायर वाले बटन को नीचे की तरफ ड्रैग करना है। एंड जैसे गाइस आपके यहाँ पे एम नीचे की तरफ आएगा तो गाइस आपको यहाँ पे सेम टाइम पे आपका ग्लूवाल वाला बटन दबाना है एंड ग्लूवाल वाले बटन के साथ साथ आपको यहाँ पे बैठने वाला बटन को दबाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका यहाँ पे परफेक्ट सेटअप ग्लूवाल लग जाएगा। यहाँ पे गाइस डिपेंड नहीं करेगा आप टू फिंगर प्लेयर हो या फिर थ्री फिंगर प्लेयर हो। तो गाइस देखो जैसे ही आपने यहाँ पे सिटअप ग्लूवाल लगाना सीख लिया अब उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे ग्लूवाल पैक करना सीखना है एंड यही हमारा ट्रिक नंबर थर्ड है। ग्लूवाल के अंदर ग्लूवाल पैक करना सीखना गाइस हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है बिकॉज हमारा 1v4 गेम प्ले में काफी ज्यादा यूज में आता है एंड 1v2 गेम प्ले में भी काफी ज्यादा यूज में आता है। अगर गाइस आप यहाँ पे किसी भी बड़ी गिल्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो लाइक नॉन स्टॉप गेमिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर प्रो नेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे ये वाला ग्लूवाल ट्रिक सीखना काफी ज्यादा जरूरी है बिकॉज आपको उनके गिल्ड में जाने के लिए 1v4 गेम प्ले रिकॉर्ड करना रहता है एंड 1v4 गेम प्ले गाइस आपका तभी यहाँ पे अच्छा होगा जब आपको यहाँ पे ग्लूवाल पैक करना आता होगा। सो गाइस जो यहाँ पे ग्लूवाल पैक करने से होता क्या है, जब हम यहाँ पे 1v4 गेम प्ले करते हैं तो हमें अपने चारों तरफ एक्स्ट्रा शील्ड प्रोवाइड करता है जिससे हम यहाँ पे 1v4 क्लच इजी तरीके से कर पाते हैं। अब गाइस देखो मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई तू कब यहाँ पे ग्लूवाल पैक करना सिखाएगा, तो गाइस देखो मैं आपको यहाँ पे ग्लूवाल पैक करना नहीं सिखाऊंगा बिकॉज मैंने इसके ऊपर एक काफी सुंदर सा वीडियो बना रखा है जिसपे मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से समझाया है कि आप किस तरीके से ग्लूवाल पैक कर सकते हो। अगर गाइस मैं आपको इस वीडियो में वो चीज समझाने लगा तो वीडियो काफी ही लंबी हो जाएगी, इसलिए गाइस अगर आपको यहाँ पे ग्लूवाल पैक करना सीखना है तो इस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को जाके देखो आपको यहाँ पे इजी तरीके से ग्लूवाल पैक करना आ जाएगा। अब गाइस देखो यहाँ पे जो मैं आपको ग्लूवाल ट्रिक बताऊंगा ये ग्लूवाल ट्रिक आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है एंड यहाँ पे जो भी बंदा बहुत सारा कस्टम खेलता है तो ये ग्लूवाल ट्रिक उनके लिए वरदान साबित होने वाला है बिकॉज ये ट्रिक है इतना कमाल का एंड इस ट्रिक का नाम है हमारे पे मोबाइल बैंडेड ट्रिक एंड इसे काफी सारे लोग 360 अपोजिट ग्लूवाल भी बोलते हैं, जैसे कि गाइस अभी आप पीछे देख ही पा रहे हो। सो गाइस इस ट्रिक में बेसिकली होता क्या है, हम अपने पीछे पड़े हुए एनिमी से इजी तरीके से पीछा छुड़ा सकते हैं। लाइक गाइस देखो आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारे पीछे चार पांच बंदे पड़ जाते हैं एंड हमें उनसे पीछे छुड़ाना रहता है, तो गाइस देखो ये जो ग्लूवाल ट्रिक है उस वक्त पे काफी ज्यादा यूज में आता है एंड इस ग्लूवाल ट्रिक में गाइस हमें करना कुछ नहीं रहता। जब कभी भी हमारे पीछे एनिमी पड़ जाता है तो उस कंडीशन में गाइस सबसे पहले हमें अपने ग्लूवाल को लेके एक छोटा सा जंप करना रहता है एंड जंप करने के बाद हमें यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट करना रहता है जैसे कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ एंड उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे अपना जो लेफ्ट फायर वाला बटन है इससे यहाँ पे हमें ग्लूवाल को लगाना रहता है एंड उसके बाद फिर से हमें अपने स्क्रीन को नॉर्मल पोजिशन में लेके आना रहता है। इसे ही गाइस हम बोलते हैं मोबाइल बैंडेड ट्रिक एंड इसे काफी सारे लोग 360 अपोजिट ग्लूवाल भी बोलते हैं एंड कोई कोई 180 डिग्री अपोजिट ग्लूवाल भी बोलते हैं। इस ट्रिक को गाइस आप किसी भी नाम से बुलाओ ये ट्रिक काफी ज्यादा यूज में आता है, इसी वजह से गाइस मैंने आपको इस ट्रिक को यहाँ पे बताया है। मोबाइल बैंडेड ट्रिक के बाद गाइस हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट ग्लूवाल ट्रिक आता है इस ग्लूवाल ट्रिक का नाम है गाइस हमारे यहाँ पे अपोजिट ग्लूवाल एंड इस ट्रिक का गाइस हमारे जिंदगी में कोई भी यूज नहीं है फिर भी गाइस एक इंसान ने इस ग्लूवाल को ईजाद किया है, इसी वजह से गाइस मैं आपको अलग ग्लूवाल ट्रिक बता रहा हूँ। बेसिकली गाइस जैसे हम यहाँ पे सिटअप ग्लूवाल लगाते थे सिटअप ग्लूवाल में गाइस होता क्या था, हमारे जो ग्लूवाल का कटा हुआ फेस था वो हमारे मुंह की तरफ फेस करता था, बट गाइस हमारे जो अपोजिट ग्लूवाल ट्रिक है इस ग्लूवाल ट्रिक में होता क्या है, हमारे ग्लूवाल का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो हमारे फेस की तरफ शो करता है एंड इसे हम यहाँ पे अपोजिट ग्लूवाल बोल देते हैं बिकॉज ये सिटअप ग्लूवाल का उल्टा है, इसी वजह से यहाँ पे इसका नाम अपोजिट ग्लूवाल रख दिया गया है एंड गाइस इसका जिंदगी में कोई भी काम नहीं है। फिर भी गाइस यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मोंटेज बनाना पसंद होता है तो मोंटेज के दौरान ऐसा अपोजिट ग्लूवाल लगा के मोंटेज बना देते हैं जिस वजह से उनका मोंटेज दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग जाता है एंड उनका भी मोंटेज में व्यू भी आ जाते हैं। दैट्स इट बस गाइस हमारे कुछ ऐसे ग्लूवाल ट्रिक थे जो मेरे को आपको बताने थे। आई होप गाइस आपको आज का हमारा वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको आज का हमारा वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज मैं अपने चैनल पर ऐसे ही कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ।